तो लास्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। इसके जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक थे वो सभी कंप्लीट हो चुके थे। अब से हमें न्यूमेरिकल पार्ट पर फोकस करना है। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस आएंगे वो ओनली जेईई एंड नीट के किए हुए क्वेश्चंस, जेईई एंड नीट में आए हुए क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ मैं यहाँ पर। बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे, सिंपल कंसेप्ट होंगे। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को बस हमें थोड़ा सा रोटेट करके क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ा था, तो ये वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 मोलर BaNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन इज 2.74, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज, यहाँ पर हमें वांट ऑफ फैक्टर गिवन है I इज इक्वल टू 2.74। पूछा क्या गया है यहाँ पर, अल्फा। यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल देखोगे जो हमें गिवन है वो है BaNO3 ट्वाइस। इसमें जो n की वैल्यू है वो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर n की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 3। कैसे, ये कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है, ये पार्ट में ब्रेक होगा हमारे पास एक तो Ba+2 में, NO3- माइनस एंड NO3- माइनस, तीन पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो इसलिए n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इक्वल टू i-1 अपॉन n-1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू, आई हमें गिवन है 2.74 माइनस वन डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 3 माइनस वन, माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.74 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.87। ये जो 0.87 है ये फ्रैक्शन में है, जब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 100 से, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 87%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट का। देखो क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं पहले, द मोलल फ्रीजिंग कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86, देयरफॉर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल NaCl सॉल्यूशन इन वाटर एक्सपेक्टेड टू बी, हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पर, हमें गिवन है Kf की वैल्यू, Kf है 1.86, पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट, मोलैलिटी गिवन है यहाँ पर, मोलैलिटी होगी 0.1 मोलल, ठीक है, और NaCl कंपाउंड गिवन है, और NaCl का मतलब हमें पता है कि जब इसे पानी के अंदर डिसोसिएट किया जाएगा तो ये Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, 1। देखो यहाँ पर कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया होता तो उसे हम मानते हैं कि 100% डिसोसिएट होगा, ठीक है, सॉरी वांट ऑफ फैक्टर होगा 2, दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है Na+ एंड Cl-, तो वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा टी एफ मतलब चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू, पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो था के एफ मल्टीप्लाई बाय एम, लेकिन वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के बाद हमें पता चला कि ये मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, क्योंकि ये पार्ट NaCl पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू है 2, के एफ हमें गिवन है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलेलिटी हमें गिवन है 0.1, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.372, ये आया हमारे पास डेल्टा टी एफ। अब अगर हमने जल्दबाजी की तो हम जल्दबाजी में आंसर लगा देंगे डी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 0.732 आ रहा है, सॉरी 372 आ रहा है, और डी ऑप्शन में भी हमारे पास यही है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये हमने निकाला है कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो जो टोटल फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का वो कैसे निकालेंगे, पानी का जो पहले फ्रीजिंग पॉइंट था डिग्री सेंटीग्रेड में वो था जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, NaCl डालने के बाद उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया, कमी आई, वाई 0.372, तो हम इसे माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट आया वो आया माइनस 0.372 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आंसर इज सी। अगर वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई करना भूल गए, वांट ऑफ फैक्टर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा, वो कि गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज इन रेशो. देखो यहां पर हमें पूछा गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला है आई इंटू के एफ इंटू मोलरिटी. अब यहां पर सॉल्यूट गिवन है हमें यूरिया NaCl एंड Na2SO4. ये सॉल्यूट हमें गिवन है और एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है. तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो के एफ होता है ये के एफ हमेशा किसके लिए होता है, के एफ तो सॉल्वेंट के लिए होता है. और इन तीनों के केस में ही सॉल्यूट डिफरेंट है लेकिन सॉल्वेंट सेम है. तो इसका मतलब ये जो के एफ है ये कॉन्स्टेंट है. ठीक है, यहां पर जो कंसेंट्रेशन है वो कंसेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर, मतलब ये भी हमें क्या दिया गया है, कॉन्स्टेंट दिया गया है. तो यहां पर डेल्टा टी एफ के आगे के एफ भी कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है. तो क्या हम बोल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. ठीक है, ये बोला जा सकता है. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रेशो होगा डेल्टा टी एफ वन डेल्टा टी एफ टू डेल्टा टी एफ थ्री. अब ये 1, 2, 3 क्या है, 1 हमने लिया यूरिया, 2 हमने लिया NaCl एंड 3 हमने लिया सोडियम सल्फेट जो कि Na2SO4 होता है. ठीक है, तो डेल्टा टी एफ वन डेल्टा टी एफ टू एंड डेल्टा टी एफ थ्री ये किस रेशो में होंगे, ये इन्हीं के वॉन्ट ऑफ फैक्टर के रेशो में होंगे, I1 रेशो I2 रेशो I3. ठीक है, यूरिया का वॉन्ट ऑफ फैक्टर, यूरिया का वॉन्ट ऑफ फैक्टर मैंने बताया था कि ये डिसोसिएट नहीं होता तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है 1. NaCl का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, दिखाई दे रहा है यहां से, NaCl कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है, 2 पार्ट में ब्रेक हो सकता है तो 2. Na2SO4 Na2SO4 कितने पार्ट में ब्रेक हो सकता है, ये 3 पार्ट में ब्रेक हो सकता है, 2Na+ एंड SO4-. तो यहां वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा 3. तो जो इनका वॉन्ट ऑफ फैक्टर होगा उसी रेशो में इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा. तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1:2:3. देखो इतने सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी इज 240 mm. यहां पर ए का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो गिवन है पी नॉट ए 150 torr और बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर वो गिवन है पी नॉट बी 240 torr. तो इनमें से सॉल्यूशन किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नो डेविएशन, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कभी भी एक साथ तो हो नहीं सकते. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका वेपर प्रेशर निकालने की कोशिश करते हैं. वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है हमारे पास P टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी. ये फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ का और हमें पता है कि जितने भी आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वही राउल्ट्स लॉ फॉलो करते हैं. तो यहां से हमारे पास जो वेपर प्रेशर आएगा वो वेपर प्रेशर अगर 240 के इक्वल होता है तो हम बोल देंगे कि ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है. तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा नो डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन है. लेकिन अगर यहां से आने वाला वेपर प्रेशर है जो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आना चाहिए, अगर यहां से आने वाला प्रेशर 240 के इक्वल नहीं होता है तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, वहीं से हमें पता लगेगा. अगर वेपर प्रेशर कम आता है तो नेगेटिव डेविएशन और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा आता है तो पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, देखते हैं अब हम किस तरीके से यहां पर आएगा. देखो क्या क्या गिवन है हमें, गिवन देख लेते हैं. गिवन क्वांटिटीज है 1 मोल ऑफ ए, एन ए इक्वल टू 1, एन बी इक्वल टू 2. तो यहां से हम एक्स ए निकाल सकते हैं. एक्स ए क्या होगा, ए के मोल डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हो जाएंगे 1+2=3. और एक्स बी क्या हो जाएगा, बी का मोल फ्रैक्शन टोटल मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ, तो 2+1=3. तो 1/3 एंड 2/3 क्या है यहां पर, मोल फ्रैक्शन आए. पी नॉट ए कितना गिवन है हमें 150 एंड पी नॉट बी कितना गिवन है हमें, पी नॉट बी गिवन है यहां पर 240. एक मिनट, तो फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं अब हम लोग. पी टोटल
इक्वल टू पी नॉट 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स ए है 1/3 प्लस पी नॉट बी 240 मल्टीप्लाई बाय 2/3 तो पी टोटल यह आएगा हमारे पास 50 प्लस यह आएगा हमारे पास 160 तो टोटल आया हमारे पास 210। अब इसका मतलब यह है कि अगर ये राउल्ट्स लॉ फॉलो करता आइडियल सॉल्यूशन होता तो यहां से जो प्रेशर आना चाहिए था वो आइडियल सॉल्यूशन का आना चाहिए था 210 लेकिन जो प्रैक्टिकली आ रहा है वो प्रैक्टिकली कितना आ रहा है वो आ रहा है 240। इसका मतलब यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है और जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम क्या बोल देते हैं उसे कि वो पॉजिटिव डेविएशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड is 7.65 atm at 310 kelvin and aqueous solution of glucose will be isotonic with blood is यहाँ पर हमें निकालना है weight by volume percent blood का concentration निकालनी है इसे। तो देखो बहुत अच्छा question है और यहाँ पर गलती होने के chance भी बहुत ज़्यादा होते हैं जहाँ जहाँ पर student गलती कर सकते हैं। किस तरीके से होगा question देखते हैं इसे। देखो सबसे पहले इसने बोला है कि blood का जो osmotic pressure है वो है 7.65 और हमारे पास एक ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है जो इसके साथ आइसोटोनिक है। तो आइसोटोनिक का मतलब होता है जिनका भी ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो। तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से डिनोट करते हैं जिसे ऑफ ब्लड ये किसके साथ आइसोटोनिक है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन जो हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन ठीक है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है और ये कितना है 7.65 एटीएम के इक्वल है ठीक है। तो हमें पाई मिल चुका है ग्लूकोज सॉल्यूशन का। अब हमें यहाँ पर क्या करना है ग्लूकोज या ब्लड सॉल्यूशन का दोनों का ही यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे फॉर्मूला है हमारे पास पाई इज इक्वल टू सीआरटी ठीक है। अब देखो यहाँ आई मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है क्योंकि आई की वैल्यू 1 ही होगी। अगर आई लिखेंगे भी तो 1 ही वैल्यू होती है ब्लड ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता है पानी के अंदर। यूरिया ग्लूकोज सुक्रोज शुगर ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। पाई की वैल्यू है यहाँ पर 7.65 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू आर क्या है यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट और यहाँ पर जो यूनिट देखेंगे तो यूनिट है हमारे पास एटीएम के अंदर। तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू लेंगे एटीएम लीटर वाली और एटीएम लीटर वाली वैल्यू होती है 0.082 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमें गिवन है 310 केल्विन ठीक है। तो यहाँ से जो कंसंट्रेशन आया वो कंसंट्रेशन आया 7.65 डिवाइडेड बाय 0.082 मल्टीप्लाई बाय 310। सॉल्व करेंगे इसे तो ये आएगा हमारे पास 0.3009 या फिर 0.3 बोल सकते हैं हम इसे नियरली ठीक है। अब हमें याद ये रखना है ध्यान देना है यहाँ पर कि ये जो कंसंट्रेशन है ये इस कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है। इस कंसंट्रेशन की यूनिट देखो PV = NRT से ये फॉर्मूला हमने बनाया था मैंने बता चुका हूँ पहले। तो यहाँ पर हमने यूनिट भी कौन सी लिया ATM लीटर वाली। तो यहाँ जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किस में लिया होगा लीटर में। तो इसका मतलब यहाँ से जो कंसंट्रेशन की यूनिट ली गई है वो ली गई है मोल पर लीटर वाली। तो मतलब ये जो 0.3009 है ये किस में आई है यूनिट ये मोल पर लीटर के अंदर आई है ठीक है। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे हमें चेंज किस में करना है हमें चेंज करना है वेट पर वॉल्यूम परसेंट के अंदर ठीक है। देखो मोल पर लीटर इक्वल टू 0.3009 मोल क्या होगा हमारे पास वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका ग्लूकोज का क्योंकि सॉल्यूट की बात चल रही है मल्टीप्लाई बाय लीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 सॉरी यहां पर हम इसको ml में कन्वर्ट कर देते हैं लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किया तो क्या है हमारे पास वॉल्यूम क्योंकि ग्राम के साथ में सिर्फ ml यूनिट चल सकता है ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग वेट डिवाइडेड बाय ml मल्टीप्लाई बाय 1000 मोलर मास को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे
तो जो ग्लूकोज का मोलर मास है वो है 180। लिख देता हूँ यहाँ पर मोलर मास कितना है ग्लूकोज का, 180 इसका मोलर मास हुआ। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है परसेंट के अंदर, और परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100 होना चाहिए ना कि 1000। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। भाई 1000 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 10 से डिवाइड किया ना, तो यहाँ भी हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10। तो अब मैं इसे बोल सकता हूँ कि अगर वेट हमारा ग्राम के अंदर है तो वॉल्यूम हमारा ml के अंदर है, ml के अंदर रखना होगा, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आएगा 5.41, 5.41%। तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए 5.41। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफी अच्छा क्वेश्चन है। पीएच ऑफ 0.1 मोलर बीओएच वीक बेस इज फाउंड टू बी 12। द सॉल्यूशन एट टेम्परेचर टी केल्विन विल डिस्प्ले एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर हमें यहां पर बताना है, टेम्परेचर टी केल्विन दिया हुआ है तो हमें आरटी की फॉर्म में ही रखना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो यहां पर हमें वीक बेस गिवन है, वीक बेस का मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यह पानी के अंदर जाकर कुछ क्वांटिटी के अंदर डिसोसिएट होगा, 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो हम यहां पर आई की वैल्यू तो 2 नहीं मान सकते, ठीक है, कितना डिसोसिएट होगा वही हमें निकालना है। आई अगर हमारे पास आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो BOH कितना डिसोसिएट होगा, किस में डिसोसिएट होगा, B प्लस एंड OH माइनस के अंदर डिसोसिएट होगा। ठीक है, यहां पर हमें गिवन है pH इक्वल टू 12, इसका मतलब POH इक्वल टू 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब POH इक्वल टू अगर 2 है तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन, माइनस लॉग से हम निकालेंगे इसे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10^-2। तो OH माइनस की कंसेंट्रेशन कितना मिला हमें, 10^-2। तो स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम में जैसे हम रख के देखते हैं वैसे हम रख के देखेंगे, ये है 0.1 0 एंड 0, यहाँ आएगा 0.1 माइनस 10^-2, क्योंकि 10^-2 OH माइनस की कंसेंट्रेशन हमें पता लग चुका है यहाँ से, तो यहाँ भी कितना बनेगा, ये 10^-2 बनेगा। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा है तो इक्विलिब्रियम में हमें पता होता है कि यहाँ हम कौन सी टर्म लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं C1 माइनस अल्फा, ये होता है C अल्फा एंड ये होता है C अल्फा। तो C अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 10^-2। तो C अल्फा इज इक्व टू 10^-2, देन अल्फा इज इक्व टू 10^-2 बाय C, एंड C इज 0.1 मोलर गिवन है हमें, 0.1 मोलर। तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये होगी हमारे पास 10^-2 अपॉन 10^-1 इज इक्व टू 10^-1। तो हमें अल्फा क्या मिला, अल्फा मिला हमें 10^-1। अब इस अल्फा से हम निकाल सकते हैं इजीली आई, और एक बार आई आया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कैसे, अल्फा इज इक्व टू i-1 अपॉन n-1, अल्फा क्या है हमारे पास 10^-1, या फिर 0.1 लिख देते हैं, 0.1 इज इक्व टू i-1 डिवाइडेड बाय BOH, BOH दो पार्ट में ब्रेक हो सकता है तो इसे हम लिखेंगे 2-1, देन i इज इक्व टू 2-1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो 0.1, देन 1 प्लस 0.1, तो i आएगा हमारे पास 1.1, ये i की वैल्यू आई। अब हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, देन पाई इज इक्व टू i इंटू CRT, सभी वैल्यूज अब हमें पता है, i की वैल्यू है 1.1, कंसेंट्रेशन है 0.1, R और T की वैल्यू हमें रखनी नहीं है क्योंकि इसी फॉर्म में आंसर निकालना है, देन 1.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्व टू 0.11 RT एंड आंसर इज C, यहाँ से C आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, आगे अभी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं इसी टाइप के सॉल्यूशन की प्रैक्टिस के। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉल्यूशन का सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज हुआ है, पाई इज इक्व टू ICRT,
बाकी सभी किसके कंसेप्ट लगे इसमें, इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट लगा है देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो बाकी चैप्टर्स के भी कंसेप्ट यहाँ पर मिक्स करने के बाद तब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे भी हम इसी टाइप के क्वेश्चन सब करने वाले हैं। ओके।